दोस्तों 2023 शुरू हो चुका है और 2023 में मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आया हूँ, अगर आप मैन्युफैक्चर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो काफ़ी दिन से मैं आपको ये साथ शेयर करना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, तभी सच बोलने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स का बुरा बन जाऊंगा जो मुझे रेगुलर बिजनेस देते हैं या प्रमोशंस के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा आप थंबनेल से समझ गए होंगे, कि कुछ ऐसी कचरा मशीन है जिन्हें बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए या जिनको बेचने का कोई फायदा नहीं है और उन्हें खरीदने का भी कोई फायदा नहीं है। ये वो कचरा मशीन है जो आपके बिजनेस को बर्बाद कर देती हैं, आपके पैसे को बर्बाद कर देती हैं, अगर आप इन मशीनों के द्वारा बिजनेस करते हैं तो। तो आज मैं ऐसे ही कुछ मशीनों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आपको बैकग्राउंड में कुछ मशीनें दिखाने की कोशिश भी करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मैं किन मशीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। स्लीपर बनाने की जो मैनुअल मशीन है, अब मैं इस मशीन को कचरा क्यों कह रहा हूँ जो मैनुअल मशीन है। दोस्तों अधिकतर जो मैन्युफैक्चरर ऐसी मशीनें बेच रहे हैं जिसपे आप पूरा खड़ा हो जाओ फिर भी स्लीपर की जो सीट है वो कटती ही नहीं है, तो फिर आप खुद सोचिए क्या ये कचरा मशीन नहीं है। आप मशीन को घर लेके जाएंगे, इसमें आपकी भी गलती है। आप जब भी किसी मैन्युफैक्चरर का वीडियो देखते हैं, आप उसके पास पहुंचते हैं या फ़ोन से ही मंगा लेते हैं, आप ये जानने की कोशिश नहीं करते क्या सच में ये मशीन इस काम की है, कि इससे स्लीपर कट सकता है कि नहीं। अगर मशीन, मैं कह रहा हूँ, 1000 रुपये की भी है और अगर उससे स्लीपर की सीट कटी नहीं रही है, स्लीपर बनी नहीं रहे हैं, उसके पैर कटते नहीं हैं, तो उस मशीन का आप दोस्तों करेंगे क्या? वो मशीन आपके लिए पूरी यूजलेस हो जाएगी। लेकिन आप क्या देखते हैं, कम प्राइस पे कहाँ से मिल रही है और आपके पास में कहाँ से मिल रही है, और आप बिना किसी भी उसको यूज किए मशीन मंगा लेते हैं और कुछ दिनों में आपको एहसास होता है ये मशीन तो बेकार है। क्योंकि एक कोई भी लेबर है, एक दिन काम करेगी, दो दिन काम करेगी, उसको लगेगा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, एक स्लीपर 3 से 4 बार में कट रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और मान लो कोई लेबर काम भी कर पा रही है लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो ऐसी मैनुअल मशीन का कोई फायदा नहीं है। तो आप प्राइस कम मत देखिए, अच्छी मशीन देखिए, क्योंकि वहां आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी खराब नहीं होगा, यानी सीट भी खराब नहीं होगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी मशीन नहीं लेनी जिससे स्लीपर कटाई नहीं। दूसरा, ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ, स्लीपर बिजनेस की भी। दोस्तों जब से मैन्युफैक्चरर्स को ये पता लगा है कि स्लीपर जो मशीन है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, मेरे अकॉर्डिंग ये बिजनेस एवरेज ही है, इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप ये करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, अगर ऑटोमेटिक मशीन भी ले रहे हैं तो आपने देखी होगी इसमें रिमोट वाली मशीन भी निकाल दी है, हाइड्रोलिक मशीन भी निकाल दी है, यानी रिमोट से ऊपर और नीचे हो रही हैं, चाहे वो बात करें वायर वाले रिमोट की या विदाउट वायर वाले रिमोट की। आप सोचिए, एक पर्सन इसमें चाहिए रिमोट के लिए, दूसरा पर्सन चाहिए इसमें सीट लगाने के लिए, तो आप सोचो 2% हो गया और प्रोडक्शन कितना कम होगा जब मशीन धीमे धीमे ऊपर जा रही है, धीमे धीमे नीचे आ रही है, तो आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। मेरी नज़र में तो ये एक मशीन का कोई भी यूज नहीं है, पूरी तरह बेकार मशीन है। मशीन स्लीपर की ऐसी होनी चाहिए जिसकी स्पीड तेज हो और एक ही पर्सन उसको ईजिली ऑपरेट कर पाए। ऐसी मशीनें मैंने आपको दिखाई गई हैं, ऐसी मशीनें आती भी हैं जिससे पैर के द्वारा भी इसको रन कर सकते हैं और जो प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। तो उन मशीनों से बचिए जो फालतू में दिखावटी हैं, बहुत महंगी भी आती हैं और उसका एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं होता। तो ये दूसरी मशीन हो गई। तीसरी मैं आपको मशीन बताने जा रहा हूँ, ये है आपकी, आप देखेंगे आजकल मार्केट में चल रहा है आटा बनाने वाली मशीन है, मसाला बनाने वाली मशीन है। आप इसको अगर गौर से इन वीडियो को देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जो वीडियो में डेमो दिखा रहे हैं, यानी जिनकी मशीनें हैं, वो बहुत ही कम, यानी एक कटोरी, एक गिलास, इस टाइप से उसमें अनाज या मसाले डालते हैं। आप अब सोचो, बिजनेस करने जा रहे हो, आप कमर्शियल बिजनेस करने जा रहे हो, तो क्या आप ऐसे डालोगे? आपको गेहूं पीसना है तो आप 20 किलो 30 किलो गेहूं एक बार में डालोगे? लेकिन आप देखोगे इन वीडियो में कोई भी ऐसे नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि ये मशीनें चौक हो जाती हैं, इनकी कैपेसिटी ये होती नहीं है। मसाले के लिए आप देख रहे हो हल्दी डाल रहे हैं, दो दो चार चार उसमें गांठें डाल रहे हैं, तो आप सोचिए इस टाइप के बिजनेस का फायदा क्या है? मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। ये मशीनें घरेलू यूज में तो आ सकती हैं लेकिन कमर्शियल यूज में नहीं आ सकती। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, मशीनें ऐसी लो कम से कम जो कमर्शियल काम आए। अब देखिए मैं आपको बताऊं, आप बोलेंगे फिर आप ऐसी मशीनों को प्रमोट क्यों करते हैं? दोस्तों प्रमोशन का हमारा काम है, अगर हम सबको ना कह देंगे तो आप सोचिए इस समय से एक ही मैन्युफैक्चरर ऐसा होता है जिसकी मशीनें इतनी अच्छी होती हैं। तो प्रमोशन करने का काम है, लेकिन हम इनडायरेक्ट आपको सारी चीज़ें बताते हैं
पास्ट में मैंने कई वीडियो लेके आए हुए हैं कि कैसे पता लगे कि ये मशीन सही है मशीन गलत है, एग्रीमेंट वालों से कैसे बचें फेक एग्रीमेंट वालों से, तो हम वो भी आपको समय समय पर जानकारी देते हैं। तो मसाला वाली मशीन या आटे वाली मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें 20 किलो 30 किलो आटा या मसाला एक बार में आप डाल पाओ। ऐसा तो होगा नहीं कि एक पर्सन उसके पास ही खड़ा रहेगा कि ये पीस रहा है कि नहीं पीस रहा, या दो दो चार चार गांठें मसाले की या उसकी डालोगे आप तो। और अच्छी मशीनें भी मार्केट में हैं, बस आपको सर्च करने की जरूरत होती है। वो वीडियो भी हमारे चैनल पे हैं जहाँ जो थोड़ी सी मशीनें कमजोर हैं उनके वीडियो भी हैं, तो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के वीडियो भी हमारे चैनल पे होंगे तो वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी मशीन होगी मसाला और आपका आटा पीसने वाली मशीन है। तीसरी मशीन है दोस्तों ऑयल निकालने वाली मशीन है। ऑयल निकालने वाली मशीन भी आप देखेंगे कुछ मैन्युफैक्चरर जो घरेलू मशीनें हैं उन्हें कमर्शियल के नाम पे बेचते हैं, उसमें भी आप देखेंगे मसाला एक कटोरी से डालेंगे या एक मग्गा डालेंगे। तो आप सोचिए कमर्शियल में ऐसे कौन तेल निकाल के बेच सकता है, पूरे दिन आप यही करते रहेंगे तो बेचोगे कब। यानी मशीनें ऐसी होनी चाहिए जिससे पर आवर कम से कम 20 से 30 लीटर तेल निकल पाए, तो उस केस में तो आप बेच पाएंगे, लेकिन आप पर घंटे एक या दो लीटर तेल निकलता है तो वहाँ कोई फायदा नहीं है। पर वो इकट्ठा उसमें जो भी तेल निकालना होता है वो इसलिए नहीं डालते, सरसों मान लीजिए या कोई और मान लीजिए, वो नहीं डालते क्योंकि उसकी कैपेसिटी वो होती नहीं है। वो कमर्शियल के नाम पर बेच तो रहे होते हैं लेकिन वो उतनी कमर्शियल नहीं होती। कमर्शियल मतलब होटलों में तो काम आ सकती हैं, लेकिन तेल निकाल के अगर बेचना चाहो उससे इतनी कैपेसिटी उनकी नहीं होती। चौथी मशीन तो ऐसी मशीन है जिसको देख के और मैं समझ में भी नहीं आता लोग क्यों लेते हैं, वो होती है रुई की बत्ती बनाने वाली मशीन, कॉटन बिक्स वाली मशीन है। अब आप देखिए कुछ मशीनें इतनी छोटी होती हैं, पूरे दिन में अगर आप एक लेबर 200-300 रुपए की भी लेते हैं तो पूरे दिन लेबर को लगा देंगे, इतना ही प्रोडक्शन होगा कि 200-300 रुपए का ही प्रॉफिट आ पाएगा। फिर आप सब बोलते हैं बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस फेल हो गया। और जो मैन्युफैक्चरर हैं बहुत सारे बाईबैक में ले लेंगे या और भी तरीके से लेके आपको समझा के वो मशीनें बेच देते हैं और मशीनें काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं। लेकिन आप सोचिए ये जो मशीन है इसमें प्रॉफिट इतना कम है कि आप बाईबैक तो क्या मार्केट में भी जाएंगे तो आपको एक पैकेट पर हार्डली 5 रुपये का प्रॉफिट मिलने वाला है। और 5 रुपये के प्रॉफिट में भी आपकी मैन पावर होगी, आपकी अगर जगह किराए की है बिजली है तो वहाँ प्रॉफिट जीरो हो जाता है। तो ये रुई की बत्तियां बनाने वाली ये मशीन है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसमें अपना टाइम और पैसा लगाने से आप बचें। और अगर आपको लगता है इसमें कोई कमर्शियल बड़ा कोई आप मशीन लेते हैं जिससे प्रोडक्शन कई गुना ज़्यादा हो जाता है और आप मार्केटिंग खुद कर पाते हैं उस केस में तो आपको बेनिफिट है, अदरवाइज मेरे हिसाब से इस मशीनों में बेनिफिट नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और किस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में बताएं, और वीडियो आप अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। अगर आपके उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो को तभी इस टाइप के वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज हमें अपना लॉस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो आखिरी मशीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कॉमन मशीन है और बहुत ज़्यादा उस पर व्यू आते हैं वो है दोनों पत्तल बनाने की मशीन। दोस्तों इस मशीन में कोई खराबी नहीं है ना इनके इस जो बिजनेस है उसमें खराबी है, लेकिन इसमें क्या होता है आप जो उम्मीद रखते हैं कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं होता। इनके जो पर पैकेट बनते हैं उसमें आपको 2 से 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा मशीनें इसमें बेसिक ही लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा एडवांस मशीनों के चक्कर में अपना पैसा नहीं खराब करना चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप पहले बेसिक से सीखेंगे प्रोडक्शन कैसा होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। अगर कहीं कोई ऐसा वीडियो मिल रहा है कि बाई बैक में कोई आपसे ये दोनों पत्तल ले लेगा, आप ट्रस्ट करिए वो इंसान झूठ बोल रहा है क्योंकि मार्जिन इतना कम है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाने के बाद और जो बाकी खर्चे लगाने के बाद मेन बात आप बाई बैक में न कंपनी कोई खरीद पाएगी न उसमें प्रॉफिट है। अगर आप इससे प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में खुद सप्लाई दे पाते हैं मॉल्स वगैरह को, किराना स्टोर्स को या और किसी दुकानों को, तो आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, अदरवाइज इन मशीनों को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। इनसे प्रोडक्शन करके आप मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग बेनिफिट नहीं कमा सकते। तो ये वो मशीनें हैं जिनको अगर आप यूज करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग बेकार है, आपका टाइम भी खराब होगा आपका पैसा भी खराब होगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है इन मशीनों से बच के रहिए, और किन मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट के द्वारा जरूर बताइए।